ये भारतीय जनता पार्टी है, ये माननीय मनोहर लाल जी हैं, ये बड़े ध्यान से काम करते हैं, बड़ी बारीकी से काम करते हैं। जो विशाल सेन ने रिपोर्ट दी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पर है। मैं तो कह रहा हूँ करप्शन है, मैं ये बहुत मान रहा हूँ करप्शन है, अधिकारियों ने बहुत करप्शन की है। पानीपत जिले की चार सीटें हम कमल का फूल खिला के माननीय मनोहर लाल जी के एक बार फिर मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका न्यूज़। मैं हूं आपका सहयोगी साथी जितेंद्र अहलावत। सत्ता की गलियारों में चर्चा अक्सर होती रहती है और अब चुनावी मौसम भी आ चुका है। नेता अपनी जोर अजमाइश में लग चुके हैं और उस जोर अजमाइश के तहत आज हम पहुंचे हैं पानीपत विधानसभा क्षेत्र सहरी में। हम बात कर रहे हैं आज जिला अध्यक्ष प्रमोद विज से, जो कि अब जो चुनाव की तैयारी है वो सरगर्मियां और भी तेज होती नजर आ रही हैं। कहीं नेता अपने बैनर होर्डिंग लगा करके, तो कहीं मार्केटिंग या कहीं ग्राउंड धरातल पर जा करके तैयारियों में जुट चुके हैं। आपको बता दें प्रमोद विज जी, उनके पिताजी भी यहां से 5 बार विधायक फतेह सिंह विज रह चुके हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे तमाम बातों पर। इस सत्ता के गलियारों में अब किस तरह से आगे का कार्यक्रम रहेगा, उन चीजों को लेकर के। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लोकसभा की तैयारी के दौरान विचार आपने जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ जीत यहां पर दर्ज कराई और अब विधानसभा है, क्या लगता है चंडीगढ़ का रास्ता अपनाने की तैयारी कर चुके हैं? होर्डिंग बैनर किस तरह से देखते हैं? पहले तो मैं ये जितेंद्र जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो मैं छोटी सी करेक्शन करता हूँ कि जो लोकसभा चुनाव में जितनी भारी बहुमत से हमारे कार्यकर्ता संजय भाटिया जी 656,146 वोट से जीते, तो इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता को, पानीपत जिला के कार्यकर्ता देता हूँ कि उनकी मदद से, उनके परिश्रम से, उनके निष्ठावान कार्यकर्ता ने जो दिन रात लगन की और जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अपने कार्यकर्ता को दी, तब भाई संजय भाटिया जी पूरे भारतवर्ष में नंबर 2 पर रहे और हरियाणा में नंबर 1 पर रहे और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। इसका श्रेय हमारे कार्यकर्ता को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की छवि और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये उनका श्रेय उनको जाता है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विधानसभा चुनाव हैं, नज़दीक आ चुके हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं? हर नेता अब निकल करके गलियारों में चर्चा का विषय बनना चाहता है, तो कोई होर्डिंग बैनर लगा करके अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। किस तरह से देख रहे हैं कि अब की बार विज साहब आप अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास अभी जिम्मेवारी जिला अध्यक्ष की है जी। आपने कहीं भी अगर मेरे पूरे जिले में पोस्टर अगर आप देखेंगे और दीवारों पे भी लेख लिखे गए हैं, बिल्कुल इन सब में आप एक चीज पाएंगे, जैसा कि हमारे को निर्देश है पार्टी का कमल खिलाना है, मैंने जहां भी बैनर लगाया है उसके नीचे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पानीपत जिला लिखा है। मैं विधानसभा नहीं लिख सकता, बिल्कुल मुझको विधानसभा लिखना भी नहीं है। मेरे पास जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, क्या लिखने से टिकट मिलती है? मैं ऐसा नहीं समझता। कार्यकर्ता को काम करने से टिकट मिलेगी और टिकट जिसको मिलनी है इसका निर्णय तो संगठन लेगा, पार्टी लेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय संगठन मंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इसका निर्णय तो वो लेंगे, हम लोग निर्णय थोड़ा लेंगे इसका। निर्णय को लेकर के आपकी बात से ही निकालते हैं कि टिकट कहीं ना कहीं लिखने से नहीं ली जाएगी नहीं। तो सीधा सीधा साफ संकेत विज साहब, ये आपने कहा कि अब जो टिकट है पद शहरी का विधानसभा क्षेत्र से लिखने से नहीं ली जाएगी, तो क्या देखते हैं कि बातचीत तो कहीं ना कहीं तो चली रही है? नहीं, बातचीत किससे करनी है, अपना काम करना है। मैं अपने संगठन को पूर्ण रूप से चारों की चारों विधानसभा में गठित कर चुका हूँ। सिर्फ पानीपत की बात हम नहीं करेंगे, मेरी जिम्मेवारी संगठन को गठित करने की है और चारों की चार विधानसभा गठित हो चुकी हैं और उसको और आगे मजबूत करते हुए पन्ना प्रमुख को जो थोड़ी सी कमी है उसको भी हम इस हफ्ते 10 दिन के अंदर कमी को पूरा कर लेंगे। हम चुनाव की तैयारी में हैं, चारों की चारों विधानसभा जीत के हमने भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराना है, कमल का फूल खिलाना है
और एक बार यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पानीपत जिले की चारों सीटें हम कमल का फूल खिला के माननीय मनोहर लाल जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। पिछली बार 3 रही थी, तो अब की बार आपने जो निर्दलीय विधायक है उसको भी शामिल कर लिया है, और कल प्रोग्राम भी था, आप उसमें शामिल थे, तो किस तरह से देखते हैं, वहां भी टकराव है क्योंकि हॉट सीट मानी जाती है संभाल का। देखिए, ये बड़ा अच्छा है कि पार्टी ने निर्णय लिया और रविंद्र मिश्रोली भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कल वहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत, आप भी वहाँ थे, बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता में उत्साह था और हजारों की संख्या में अंदर हॉल में भी लोग थे और बाहर भी लोग थे। और मैं ये समझता हूँ कि हॉट सीट तो हर हॉट सीट हो सकती है, इस टाइम तो मुझे कहीं विपक्ष नज़र ही नहीं आ रहा है। आप बताइए, विपक्ष के पास कैंडिडेट हैं कहाँ पे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में तो वो व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा, घर में एक ही कुर्सी है, कभी माँ बैठती है कभी बेटा बैठता है। इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास कोई टिकट का फर्स्ट ग्रेड का। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिएगा, 90 में से 80-85 सीटों में इनके पास फर्स्ट ग्रेड का नेता नहीं होगा। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकते चले जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर लोगों का विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी विश्वास है। और अब हमने तो ये देखा है कि बड़े से बड़े नेता भी अलग अलग विपक्षी पार्टियों से सब भारतीय जनता पार्टी में चले आ रहे हैं। अब देखते हैं चुनाव में कौन उनके साथ रह जाता है। सब आपके पिताजी भी यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, और वो भी जोड़ने, आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, उसके होने के बावजूद राजनीति के अंदर किस तरह से, आप क्या लगता है कि ये कोई लालसा है या राजनीति के तहत कुछ वो कार्य किए जा सकते हैं जो कि उद्योग और समाज सेवी होने के नाते नहीं किए जा सकते? देखिए, जनप्रतिनिधि बन के आपको सभी वर्ग को कैटर करना है। आपको गरीब से गरीब, अंत्योदय का हमारी ये है, हमने हर एक आदमी का हाथ पकड़ना है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे मध्यम वर्ग का है, चाहे किसी भी आयु का है, चाहे किसी भी व्यापार में है, चाहे फैक्ट्री है किसी की, चाहे किसी की दुकानदार है, कोई प्रोफेशन है। प्रॉब्लम तो हर एक की होती है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गरीब आदमी की प्रॉब्लम है, हर एक वर्ग की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। मैंने जो निर्णय लिया था राजनीति में बहुत सक्रिय होने का, आज से 10 साल पहले लिया था और 10 साल से मैं लगातार बहुत सक्रिय हूँ। पहले पिताजी पानीपत से 25 साल तक विधायक रहे, 1962 से लेकर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बनी थी, जनसंघ था, जनसंघ जी, जनसंघ में 1962 में पिताजी पहली बार विधायक बने और 1987 तक वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पानीपत से रहे। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का ध्वज यहाँ लहराया और हमने अपने कारोबार में अपने आप को शामिल किया। पिताजी के साथ एक्टिव जरूर थे हम लोग, लेकिन सक्रिय राजनीति में मैं आज से 10-12 साल पहले जब आया तो पार्टी ने जो जो मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने उसको बड़ी ईमानदारी के साथ, जितना मैं सक्षम था, जितनी मेरे में योग्यता थी, मैंने अच्छा करने की कोशिश की। और 4 साल पहले तकरीबन पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष का पदभार दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने संगठन मंत्री जी का, अपने अध्यक्ष सुभाष बराला जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अध्यक्ष बनाया। और मैं, आप भी इस बात को जानते हैं, मैंने अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ संगठन को एक करते हुए पूरा गठित किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि पानीपत में जब चुनाव का समय आया, सबसे पहले मेयर का चुनाव आया, तो पानीपत में 26 में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराया 22 वार्डों में, और मेयर के चुनाव में 75,000 की लीड, जो शायद हमने तब इतना नहीं सोचा था कि शायद इतना बड़ा मार्जिन लगेगा, लेकिन लोगों ने पार्टी में, मुख्यमंत्री जी में अपनी विश्वास जताया और उसी का ये नतीजा था। जो पानीपत की सीट 75,000 के मार्जिन से हमारी बिटिया अमनीत कौर जीती, उसके बाद अभी हाल में आपने चुनाव में देखा संजय भाई को, यहाँ भी हमें ये अंदाजा था कि शायद हम 5 लाख वोटों के लगभग से जीतेंगे और हमारे को जो जीत मिली 6.5 लाख से ऊपर, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों की इसमें निष्ठा आ रही है, लोगों का विश्वास है मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री जी में, पार्टी के अंदर, और कार्यकर्ता ने भी दिन रात काम किया है। और कार्यकर्ता का सौभाग्य है हम सब का कि हम एक राजनीतिक क्षेत्र में उस एरा में काम कर रहे हैं, उस समय में काम कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है,
विधायक हमारे हैं, नगर निगम अधारा है, तो बहुत प्रोग्रेस हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 की 90 विधानसभा जो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, और अब तो माननीय प्रधानमंत्री उसमें जोड़ दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो इस कड़ी को जोड़ते हुए आपने बताया कि नगर निगम में 26 में से आपके 22 वार्ड जीते हैं, कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी थे उसके एक वार्ड 14 से जो समर्थित थे, तो वो आप वहां भी पूर्ण बहुमत से आए, मेयर भी आपकी बहुत मार्जिन से कार्यकर्ता पानीपत के नगर निगम की जनता ने आपको दी। लेकिन एक चीज यहाँ पर आज भी ऐसे ही पड़ी है, नगर निगम में अब छोटी सी बारिश हो जाती है पानीपत बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, उस चीज को लेकर के इतना बड़ा लोगों ने आपको सहयोग दिया, लोगों ने प्यार दिया वोट के माध्यम से, तो उसका उस पर कार्य नहीं हो पाया और अक्सर नगर निगम पर सवाल उठते आए हैं। देखिए पहले तो पानी की बात कर रहे हैं जी, अगर आप पिछले दिनों की उस बारिश की बात कर रहे हैं जो 1.5-2 घंटे के अंदर 62 mm बारिश हुई पानीपत के अंदर, उसमें तो कोई भी सिस्टम किसी भी शहर का चरमरा जाता है। इतने छोटे समय में इतना ज़्यादा पानी का बहाव लेना किसी भी शहर के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद 3-4 घंटे बाद रात को जब हम सड़कों पर निकले, GT रोड पर मैं गया, मालडोन में भी था, तो काफ़ी पानी साफ हो चुका था। लेकिन हाँ, नगर निगम पे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा ही रहा है। तो क्या कारण है, किस तरह से उसको बदलाव कैसे किया जा सकता, 5 साल हुए यहाँ जितेंद्र, क्या है कि यहाँ ना प्लानिंग की कमी है जी। यहाँ प्लानिंग करते नहीं है, एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं। अरे जब तक आप प्लान नहीं करोगे, एग्जीक्यूशन तो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट तो उसका प्लानिंग है। और मैं ये देख रहा हूँ कि नगर निगम के अधिकारी, इनके एक्सियन SC JE कोई प्लानिंग पे बैठते ही नहीं है, मैंने इनको कभी प्लानिंग पे बैठे ही नहीं देखा, सिर्फ एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं, टेंडर निकालने में, टेंडर किसको जा रहा है किसको नहीं जा रहा है, ये बड़ा गंभीर विषय है। टेंडर की बात करेंगे, विधायक की भी बात करेंगे, उससे पहले एक चीज और, जो कहीं ना कहीं नाले की सफाई की बात है तो वहां कहेंगे PWD है, तो दूसरी जाए तो नगर निगम का है, ये हुड्डा का है, तो इस कारण में फंसे रहते हैं, लेकिन जनता तो पिस रही है। मैं आपसे सहमत हूँ, यहाँ शायद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, वो जो डिवीजन हुआ हुआ है उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी किसने करवानी है, अधिकारियों के साथ बैठ के हमने ही करवानी है, वो हमारा जनप्रतिनिधियों का काम है कि उसमें क्लैरिटी लाए, और करते भी होंगे, ये बात आप नहीं सोच सकते। लेकिन मेन विषय ये है, मैंने कल अवनीत जी के साथ बैठा था जी, मैंने उनकी एक बात बोली, मैंने कहा प्लीज़ आप सड़कों के टेंडर निकालने बंद करिए, सिर्फ सड़क उसका टेंडर निकल सकता है, ये कानून बनाइए अपने नगर निगम के अंदर, हाउस मीटिंग में इसका लाइए कि उसी सड़क को बनाया जाएगा, टेंडर दिया जाएगा जिसका पहले उसमें सीवरेज या नाली या पाइपलाइन पानी की सप्लाई की वो डल चुकी है, अगर इन 3 में से एक भी काम नहीं हुआ तो वहां सड़क बनाने का फायदा क्या है, कल को फिर उखाड़, आप सड़क बना के जाएंगे, कोई ना कोई डिपार्टमेंट आके फिर उसको उखाड़ेगा, वो उखाड़ के जाएगा फिर हम सड़क बनाएंगे, तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, लोगों को भी दिक्कत होती है। मैंने उनसे प्रार्थना की है और वो एग्री भी की है कि आगे से हम पहले रोड का काम सबसे लास्ट है, लेयर ऊपर की बात की लेयर है, पहले हमें बाकी काम कर रहे हैं। इस तरह से जैसे जैसे परेशानियां मैं देख रहा हूं, मैं जनप्रतिनिधियों के ध्यान में ये बात लाता हूं। हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार का जो है अड्डा बना रहा है नगर निगम, उस पर सवाल या निशान उठते रहे अक्सर, और बड़ा बहुत ही बड़ा पार्कों का घोटाला, इस तरह की भी बात सामने आई थी जिसमें विधायक या अन्य नेताओं के नाम भी सामने आए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, उस चीज़ को लेकर जाँच भी एक बार टीम भी भेजी गई थी, क्या लगता है अभी इस तरह से अक्सर आगे ना हो, किस तरह की पॉलिसी? मैं इसमें सहमत हूँ, जो पार्कों का काम है विशेष करके इनकी इन्फ्लेटेड प्राइसिंग है, ये इन्फ्लेटेड प्राइसिंग है, अगर कोई भी चीज़ वहाँ काम हो रहा है तो उसमें प्राइस ज़्यादा है, अधिकारी उसका एस्टिमेट JE या एक्सियन या SC जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है इस चीज़ की, लेकिन इतना जरूर लगता है कि कई बार मैं पार्क में जाता हूँ, जब वहाँ का काम देखता हूँ, उसका वॉल्यूम देखता हूँ, तो मुझे लगता है मान लीजिए किसी चीज़ का, मैं अपने मन में सोचिए 5-7 लाख का काम होगा, तो पता लगता है ये तो 30 लाख का काम हुआ है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड प्राइसिंग है और इसके जिम्मेवार अधिकारी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर हमारा भी फर्ज है कि हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें,
उसकी प्राइसिंग में क्यों इतनी प्राइसिंग है, क्या वजह है उसकी। और इसीलिए जब पार्कों की हमने ये हालत देखी, उनकी इन्फ्लेटेड प्राइसिंग हमने देखी, तो उसकी कंप्लेंट माननीय मुख्यमंत्री को की गई। उन्होंने मिस्टर विशाल सेठ को यहाँ भेजा, टीम बना, उन्होंने पूरा अपना सर्वे किया है। लेट मी टेल यू, कुछ लोग पता क्या सोच रहे हैं कि वो तो होके चले गए, कुछ नहीं हुआ। ना भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये माननीय मनोहर लाल जी हैं, ये बड़े ध्यान से काम करते हैं, बड़ी बारीकी से काम करते हैं। जो विशाल सेठ ने रिपोर्ट दी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की टेबल पर है। एक एक पार्क की रिपोर्ट उनके पास है, एक एक गली सड़क की रिपोर्ट उनके पास है। आप यकीन मानिए, माननीय मुख्यमंत्री को जहाँ कहीं भी कमी मिलेगी इस चीज़ में, उसका संज्ञान जरूर लेंगे। ये मनोहर लाल जी को तब लोग जानेंगे कितनी सख्ती करते हैं। तो यही कारण था कि जो पन्ना प्रमुख से सम्मेलन था उसमें एक बयान दिया गया था कि नेता मंच से नीचे आ सकते हैं और नीचे से जो कार्य करता है वो मंच पे आ सकता है, वो उसका कहीं ना कहीं ये कारण नहीं था। इसको आप उस बात से मत जोड़िए जी। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, वो पन्ना प्रमुख सम्मेलन नहीं था, वो माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह था। पन्ना प्रमुखों का अभिनंदन किया गया समारोह था, अभिनंदन समारोह जी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अभिनंदन करने आए थे पन्ना प्रमुखों का, कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए। ऐसा नहीं है, उस चीज का जो इंक्वायरी हुई और माननीय मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट गई हुई है, उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मन से एक बात कह रहे हैं, कार्यकर्ता अगर इस देश का चाय बेचने वाला एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। भाव ये है कि जो कार्यकर्ता निष्ठा के साथ पार्टी का काम कर रहा है, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ है, चाहे निम्न है चाहे ऊपर है, कुछ भी हो सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन विशम मैं मेरा सवाल ये था कि उन्होंने ये कहा नेता की जगह वहाँ पर हो सकती है और कार्यकर्ता की उस नेता की जगह हो सकती है, तो क्या है इसको टिकट बदलने का या किस तरह की ये चीज, ये इस चीज पे बात है। टिकट बदलने से आप नहीं ले सकते, ये तो पार्टी ने निर्णय लेना है। पार्टी किसी भी कार्यकर्ता के अंदर अपना विश्वास जता के उसको टिकट दे सकती है किसी को। तो अब जो माहौल है, यदि पार्टी, हम बात करते हैं प्रमोद विज पे दोबारा आ जाते हैं, यदि पार्टी आपको मौका देती है, क्या एजेंडे है, क्या लगता है कि शहर के अंदर वो कमियां हैं जो मैं प्राथमिक तौर पर पूरी कर पाऊं। बहुत, अगर मैं बहुत खुश नसीब होऊंगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होऊंगा अगर पार्टी मुझे मौका देती है। निर्णय पार्टी ने लेना है जी। मैं इस टाइम तो अपना काम कर रहा हूँ इस शहर में, हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए और यहीं से चले जाएंगे यहीं से। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, मन समर्पित तन समर्पित ये जीवन समर्पित। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस शहर में अगर कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं, इस शहर में इतनी समस्याएं हैं, डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं था। 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर छोटी बात एक कहेगी कि आपको दूँ के फ्लाईओवर का देखिए क्या हालत थी फ्लाईओवर की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको क्या बना दिया है। ऐसे कई कई काम है, कई कॉलोनियों के अंदर काम बहुत हुआ, विकास हुआ है, लेकिन अभी मन में चाहत बहुत है हमारे इस पानीपत को, जो अपना जन्म स्थान है, आदमी इस बात को भूल नहीं पाता। और आदमी अपनों के लिए तो करता है, अगर मैं अपने परिवार में काम कर रहा हूँ तो परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ ना, तो शहर भी तो मेरा है। ठीक है, मैं इस शहर में अपने मन से, विकास तो हो गई होगा, करप्शन के लेवल को ख़त्म करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जो इतना पैसा देते हैं उससे तो इससे 4 गुना काम हो सकता है। इस शहर के अंदर ट्रैफिक की प्रॉब्लम अब भी है, प्रॉब्लम ये है कि ब्लूप्रिंट नहीं है शहर का। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इस टुकड़े को कर दिया, इसको कर दिया, इस काम बहुत हो रहा है, अव्यवस्थित ढंग से हो रहा है, हो रहा है, लेकिन ब्लूप्रिंट नहीं है। जब तक ब्लूप्रिंट नहीं बनेगा तब तक शहर का विकास प्रॉपर नहीं हो सकता। और मैं इस शहर को सुंदर देखना चाहता हूँ अपने जीवन में, और उसके लिए कोशिश करूँगा अगर पार्टी मुझे मौका देगी, नहीं तो फिर भी संगठन में रहते हुए उसमें भागीदार बनेंगे इस शहर को बढ़िया से बढ़िया बनाने में। शहर को भागीदारी सबसे पहले आपने बताया, यदि मौका देती है तो करप्शन पे आपकी लगाम रहेगी और शहर को सुंदर बनाने की। लेकिन विजन, विजन की बात करें, हम किस तरह से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर विधायक आए, यहाँ पर मंत्री भी रह चुके हैं
और उस विजन को क्लियर नहीं कर पाए हैं, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है, आज भी भुगत रही है। तो हाँ जी, पहला तो यही, इस फ्लाईओवर में करेक्शनें बहुत होने वाली हैं और वो पॉसिबल। आज हमारे संजय भाटिया जी संसद में बैठे हुए, सबसे बड़ी पंचायत में हमारे नुमाइंदे हैं, क्यों नहीं हो सकता? इस फ्लाईओवर के नीचे कम से कम 2 या 3 अंडरपास होने चाहिए पैदल यात्रियों के लिए, चाहे वो एक संजय चौक पर हो, एक लाल बत्ती चौक के ऊपर हो, एक बस स्टैंड के पास हो। अंडरपास होंगे तो पैदल यात्रियों का ट्रैफिक ऊपर नहीं आएगा, ट्रैफिक इम्प्रूव होता है। इस फ्लाईओवर की कहीं ना कहीं 1 या 2 कनेक्टिविटी भी हो सकती है, उसके लिए इंजीनियर्स हमारे बहुत सक्षम इंजीनियर्स हैं हमारे। इसी तरह से बरसत रोड पे जो फ्लाईओवर है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 15 या 20 या 25 पिलर और बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि एक कट जो खुलेगा बरसत रोड का, बरसत रोड की तरफ लाखों लोग रहते हैं, कितने गांव हैं, कितनी कॉलोनियां हैं, कितनी रेजिडेंशियल कॉलोनियां हैं, तो उधर का ये समस्या भी है। एक टोल इमीडिएटली, मैंने संजय भाई से परसों भी बात की है और मुझे यकीन है शायद ये हम चुनाव से पहले कर भी पाए, लग रहा है अब कि पानीपत की रजिस्ट्रेशन गाड़ी को टोल नहीं लगना चाहिए। किस चीज़ का टोल दे रहे हैं हम जब हम फ्लाईओवर को यूज ही नहीं कर रहे हैं और जाम इसकी फ्लाईओवर को यूज नहीं कर रहे हैं, जाते हुए भी नहीं करते, आते हुए भी नहीं करते, तो उसके लिए टोल फ्री होना चाहिए। ट्रैफिक की डेफिनेटली एक भूपेंद्र जी हमारे जो पूर्व मेयर हैं और रवनीत जी ने अभी प्रपोजल भी दी है कि इस जो ड्रेन है इसको कवर करके इसके ऊपर ट्रैफिक या इसका ये प्लान अच्छा प्लान है, इससे ट्रैफिक डाइवर्ट होता है जो शहर में सारा ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक की समस्या मेन है, वो पॉसिबल है। एक पानीपत में पीने के पानी की सप्लाई की बहुत प्रॉब्लम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ आया हुआ है, अगले 5 साल के अंदर पानी जो है सप्लाई ये ट्यूबवेल से नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके मैंने एक बात और देखी है, पानीपत के अंदर कोई ओवरहेड टैंक ही नहीं है, कोई प्रेशर से पानी नहीं जाता, इस तरह ट्यूबवेल से कनेक्टिविटी है सब गलियों में कॉलोनियों में, स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानीपत के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर जो आज से 30-35-40 साल पहले बना, जब पानीपत में गिनी चुनी ट्रांसपोर्ट रहती है और आज सैकड़ों ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, और ट्रांसपोर्ट नगर भैया उसकी एक्सटेंशन चाहिए। आज तक ट्रांसपोर्ट नगर पे सड़क नहीं बनी, लेकिन वहाँ पर गड्ढे आज भी ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि हमारी फैक्ट्रियाँ भी उसी एरिया में है। तो क्या लगता है पैसे कहाँ जा रहे हो, टेंडरिंग हो रही है? मैं तो कह रहा हूँ करप्शन है, मैं ये बात मान रहा हूँ करप्शन है, अधिकारियों ने बहुत करप्शन किया है यहाँ, करप्शन डेफिनेटली है। आप मेरा विजन पूछ रहे थे, मैं उस बात पे वापस लौटता हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसकी एक्सटेंशन चाहिए। किसी भी हुड्डा के किसी भी सेक्टर में और पूरे हरियाणा में, मैंने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस पर दिया, जो त्रुटि है, और इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस चीज़ के लिए मिलकर आया था, तो बातचीत चल रही है, कोई ना कोई समाधान इसका मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। और एक मुस्कुराहट कहीं ना कहीं उस आहट का इंतजार कहीं ना कहीं दिखा रही है, तो इस बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और आज हम आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर आप इस चर्चा की, और उस चर्चा के माध्यम से आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, और आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और कहूं जी, मेरा एक विजन और भी है जी, पानीपत के अंदर और एक्चुअली तो हर शहर में, हर एक अच्छे साइज के टाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। वी आर मिसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। शहर इतना बढ़ चुके हैं, इतनी कॉलोनियां हैं, इतने रेजिडेंशियल सेक्टर बन चुके हैं, तो हमारे को यहाँ पर पानीपत के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, चाहे वो मिनी बसों की शेप में हो, एक 30-40 मिनी बसें चल रही, उससे भी जो है ट्रैफिक का प्रेशर कम होगा और लोगों को सुविधा होगी। एक ये मेरा विजन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। विजन क्लियर करते हुए एक बात स्पष्ट कर दी है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं पानीपत की तस्वीर और तकदीर बदलने का एक प्रयास किया जाएगा, वो कितना सार्थक सिद्ध होगा वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।